जनपद मथुरा के नौजिल विकास खंड के गांव हसनपुर के किसान 3 साल से अवरुद्ध पड़े सिकंदर मेहंदीपुर हसनपुर माइनर को करीब 1.5 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा कर जेसीबी से सफाई करा रहे हैं। कराएं भी तो क्यों नहीं, किसानों की जरूरत है। अगर माइनर साफ नहीं रहेगी तो उन्हें सिंचाई के लिए पानी कैसे मिलेगा। सरकार के द्वारा किसानों के लिए तमाम वायदे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिखाई देता। उदाहरण आप सभी के सामने है, नौजिल के विकास खंड के गांव हसनपुर के किसान 3 साल से अवरुद्ध पड़े सिकंदरपुर मेहदीपुर हसनपुर माइनर को करीब 1.5 लाख रुपए का चंदा देकर अपने पैसे से साफ करा रहे हैं। यहां के किसानों ने जेसीबी से अवरुद्ध पड़े माइनर को साफ कराया तो वही जानकारी मिलने पर सिंचाई विभाग नहर विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए जहां उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। किसानों का आरोप है कि मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर सिंचाई विभाग नहर विभाग आदि को कई बार लिखित में और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है लेकिन माइनर की सफाई न होने से टेल तक पानी नहीं पहुँचता, इसलिए किसानों द्वारा चंदा इकट्ठा कर माइनर की सफाई कराई जा रही है। भाजपा सरकार में किसानों की दुर्दशा पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के जिला मीडिया प्रभारी शिव कुमार तोमर ने कहा कि इस सरकार में किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों को चंदा इकट्ठा करके नाले और माइनरों की सफाई करानी पड़ रही है। वहीं 2 दिन पहले जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन दिया था कि अगर किसानों की समस्या का जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन अंबावता आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मेरा नाम धनपाल सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं गांव हसनपुर का रहने वाला हूं। कुछ किसानों की समस्या मुझको सुनने में मिली थी। मैंने SDO सिंचाई विभाग से बात की थी तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि अक्टूबर माह में इसकी सफाई करा देंगे। ये जरारा रजबाहा में से निकली सिकंदरपुर मेहदीपुर माइनर है। इसके संबंध में किसान बेहद परेशान थे, उनकी धान की फसल के लिए सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुँच पा रहा था जी। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है परंतु जब तक ये सिंचाई विभाग इसकी सफाई कराएगा तब तक तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर हमने सोचा कि कुछ गांव से चंदा एकत्रित कर लिया जाए और इसकी सफाई करा दी जाए ताकि किसानों की धान की फसल बचा ली जाए। तो इसमें बीच कुछ में सफाई नहीं हुई है इसकी कभी? नहीं नहीं, काफ़ी सालों से तो मैं देखते आ रहा हूँ कि कभी कभी टेंडा भी है तो कहीं सफाई हो जाती है कहीं नहीं हो पाती है। तो यानी फॉर्मेलिटी सी पूरी करते हैं ये लोग सही तरीका से सफाई नहीं हो पाती है इसकी। तो मैं भी सरकार से और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इसका संज्ञान लेते हुए अतिशीघ्र इसकी सफाई कराई जाए और सफाई भी ठीक ठाक तरीके से कराई जाए, क्योंकि इसमें छोटी जो JCB होती है वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। जो पॉप लाइन से इसकी सफाई की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद जी। सिकंदरपुर मेहंदीपुर जी, इसका पानी आगे नहीं पहुंच पा रहा है जी। हमारी खरीफ की फसल नष्ट हो रही है जी, पानी की वजह से, न पहुंचने की वजह से वह सूख रही है जी। तो हमने SDO साहब से बात करी, उन्होंने मना कर दिया, बोले इसका टेंडर उठ चुका है जी और अक्टूबर में निकलेगी। अच्छा जी। तो हमने उनसे बात की कि बोले, उन्होंने बोला ठीक है आप जैसे चाहते हो करा लो। तो हम 4 से 10 लोग हैं जी, वो आपस में चंदा करके हम निकलवा रहे हैं। हमने वहीं से मोड़े पे से ही निकल के आई है जी और आगे तक निकले। यानी कितने रुपए का चंदा एकत्रित किया गया है? लगभग 1.5 लाख रुपए के समथिंग जी। तो अधिकारियों से जैसे शिकायत की थी कि इसमें पानी छुड़वाओ, इसकी सफाई करवाओ, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? कि उन्होंने ये कह दिया कि अब नहीं हो पाएगी, इसका टेंडर उठ चुका है अक्टूबर को। तो किसान कैसे अपनी धान की फसल को पका पाएंगे या नहीं पका पाएंगे, या पानी पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? अब ये देखो, प्रयास कर रहे हैं, अपनी जैसी बन रही है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। पानी पहुंच सकता है जी। अच्छा, ये JCB मशीन आपने ही मंगाई है अपने पैसों से? हमने मंगाई है, इनायतगढ़ से आई है कल जी। तो ये पूरे दिन, आज पूरा दिन हो गया है इसे। क्या क्या किलोमीटर की सफाई लगभग हो चुकी है इसकी? लगभग मानो 2 किलोमीटर। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, योगी सरकार से भी कुछ का अपना? योगी सरकार से यही है ना, तो MSP पे हमारी कोई फसल बिक रही है और नहीं समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है किसी भी फसल का, और नहीं किसानों को जो मिलनी चाहिए सुविधा मिलनी चाहिए ना, वो सुविधा मिल रही है।
अच्छा, इसकी सफाई कब से नहीं हुई है? ये माइनर है, 2 साल हो गए। पिछली साल भी किसानों ने चंदा खिट्टा करके कराई थी। अच्छा, इसकी सफाई नहीं? ठेकेदार करा देता है जी, थोड़ी थोड़ी बीच में करा देता है। इसमें झाड़ी खड़ी हुई है, ये हसनपुर के पास का नजारा दिखा रहे हैं हम आपको। तो इसमें ये किसानों की गंभीर समस्या है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है किसानों के लिए। और ये निचली माट ब्रांच गंग नहर से निकला जरारा रजवा, और जरारा रजवा में से निकली ये सिकंदरपुर मेहंदीपुर माइनर बोलते हैं इसे। तो आप देखिए, किसानों ने चंदा एकत्रित करके इसे सफाई करा रहे हैं। और इनका और क्या कहना है? और क्या कहना है जी, हम तो जाए। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम रिंकू है जी। जी, और मैंने 2-3 साल से यही काम करा रहा हूँ जी। हर साल यही समस्या है कि जी कोई क्या सुनो।